गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 4, प्रसिद्ध वैज्ञानिक एडिसन। एडिसन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। एडिसन ने क्या किया था? बल्ब का आविष्कार किया था। बल्ब की सहायता से, जैसे दोपहर में उजाला रहता है, ऐसे बल्ब ट्यूबलाइट की सहायता से हम रात को भी उजाले में रह सकते हैं। लेकिन जब पहले बल्ब नहीं थे तो ये काम बहुत मुश्किल था। रात को क्या रहता था? अंधेरा रहता था। फिर जो एडिसन थे, एडिसन, इन्होंने किसका खोज की? बल्ब, विद्युत बल्ब की खोज की। ये जब स्कूल में पढ़ते थे तो इनका क्या काम था? पढ़ाई से ज़्यादा इनको कुछ कुछ प्रयोग करना अच्छा लगता था। तो इसमें स्कूल पढ़ाई में इनका मन रखा था। एक बार इनकी मम्मी को मैडम ने बुलाया और उनको एक कागज पर लिख के भेजा कि आपका बच्चा मन का पढ़ाई लिखाई में इनका मन कम लगता था और नए नए प्रयोग कर इनका मन नई नई खोजें करने में ज़्यादा लगता था। तो ये हर मशीन को क्या करते थे? खोल के देखते थे उसके पुर्जों को कि ये कैसे जुड़ी और इसका क्या उपयोग हो सकता है। तो ये जो विद्युत बल्ब है ना, इसका आविष्कार भी एडिसन ने किया था। तो एक बार क्या हुआ, इन्होंने बल्ब बनाया। जब पहले बल्ब नहीं था तो बहुत अंधेरा रहता था। इन्होंने बल्ब बनाया तो जैसे उसको चालू किया तो बहुत उजाला हो गया। तो इनके दोस्त उस बल्ब को देख के बहुत खुश हुए। फिर इनको एक स्टेज पर इसका शो करना था कि बल्ब कैसे उजाला करता है। तो इन्होंने अपने एक मित्र को वो पकड़ाया, बल्ब की जाओ तुम इसको मेज पर रख कर आओ। तो ये टेबल पर रखने गए उनका दोस्त, तो उसके हाथ से वो बल्ब गिर के टूट गया। अब साथ ही लोग सोचने लगे कि ये इसके हाथ से बल्ब टूट गया, अब तो एडिसन बहुत गुस्सा होंगे। तो लेकिन एडिसन ने देखा कि बल्ब टूट गया, उन्होंने गुस्सा नहीं किया। उन्होंने फिर मेहनत करके अगले दिन फिर दूसरा बल्ब का निर्माण किया। फिर इसके बाद क्या हुआ कि सब साथी लोग कहने लगे, अब इसको मत दो बल्ब, ये कल गिरा चुका है टेबल से, अब हो सकता है आज फिर से गिरा दे। तो एडिसन बोले कि बल्ब तो फिर से टूट के बन जाएगा, लेकिन अगर इनके मन में डर बैठ गया तो ये ज़िंदगी में कभी कुछ काम करने से हमेशा डरेंगे। हमें इनका आत्मविश्वास बनाए रखना है। तो एडिसन ने उन्हीं को फिर से बल्ब दिया। एडिसन की मेहनत, बल्ब फिर से निर्माण किया था, तो एडिसन की मेहनत देख के सब लोग बहुत खुश हुए। तो इस प्रकार विद्युत बल्ब का आविष्कार हुआ। तो विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया है? एल्वा एडिसन ने। इसके पहले हमारे, अगर एडविन एडिसन एल्वा नहीं होते तो हमारे इधर बल्ब का आविष्कार नहीं होता और हम अंधेरे में ही रह रहे होते। तो सूरज की रोशनी तो सिर्फ दोपहर में रहती है, अगर रात को रोशनी लाने के लिए इन्होंने बल्ब का निर्माण किया, इसलिए हमारे वैज्ञानिकों में इनका नाम अमर है। और अनेक ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने नए नए आविष्कार किए जिसका हम आज लाभ उठा पा रहे हैं। हम विज्ञान के युग में रह रहे हैं तो हम विज्ञान के कारण ही दुनिया में तरक्की कर पा रहे हैं। इसलिए आप लोग भी पढ़ लिख कर कुछ ऐसा काम करें कि आपका नाम विश्व में रोशन हो। थैंक यू, हैव अ गुड डे।